तलवार चलती खत्म। वो ऐश्वर्य आढ्य धनवान और इच्छा स्वातंत्र कर्म स्वातंत्र फल स्वातंत्र ये करेंगे वो करेंगे, छोटी सी जिंदगी छोड़ हम क्या क्या करें, ये करें और वो करें, ऐसा करें वैसा करें, छोटी सी जिंदगी पल भर में हम क्या क्या करें, बस खत्म। ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, चलाने दें तलवार। तलवार चली कौन को असर करे, कि जब कोई लड़नो हो तलवार से वाकू असर करे ना, ये तो यहां से डिशिम कर दिया तो खत्म। ऐसे काल कर्म स्वभाव प्रकृति पुरुष सारी वेपन्स जाके हाथ में है, वाके सामने अपनो इच्छा स्वातंत्र, अपनो कर्म स्वातंत्र, अपनो फल स्वातंत्र, अपनो सदसद विवेक, अपनो औचित्य अनौचित्य को विवेक, डिशिम खत्म। वापर ने तू कौन को छोट काय को ना पाड़ने के मत वापर, आनंद से वापर, जितना वापरना हिला तो भया वह तरीके को विवाह झपाटा है ये। कर्म जड़ासुर अन्य उपासक भजन धर्म थी हीन, श्री पुरुषोत्तम वली विचार्यू हवे उपाय शो करिए, मारी सेवा अने कथा रस निरूपवात अनुधरिए। मने जो मोकू रैलिश कर सके ऐसो जीव, वह जीव सु मिश्रित नहीं हो जाए, वह सृष्टि को कैसे प्रकट करूं, वह के लिए एक पुरुष को उत्पन्न करना पड़ेगा। पुरुष को उत्पन्न करने के पहले जो द्वितीय स्कंध को विषय है, पहले रॉ मटेरियल पैदा करके बतायो, भक्त जीवना भाग्य इच्छा विस्तरिया, इच्छा करी हरिसार, तेने हेते आपो पे प्रकट्या। श्री वल्लभ राजकुमार पूर्ण ब्रह्म श्री लक्ष्मण सुत पुरुषोत्तम श्री विठलनाथ श्री गोकुलमा प्रकट पधार्या, सजन कीधा सनाथ। याखो देखो सृष्टि प्रकरण उनने लियो है, पर फोकस करके पुष्टि मार्ग की सृष्टि नहीं, पुष्टि संप्रदाय की सृष्टि को कैसे सर्ग पैदा भयो, वह सर्ग लीला को यहाँ गोपालदास जी वर्णन कर रहे हैं। और अपन देखें तो ऐसे ही द्वितीय कड़ा जो है आख्यान जो है वो विसर्ग लीला है, ऑनवर्ड सारे टैली हो रही है लीलांशु भागवत की लीलांशु, या में एक भागवत छुपी भई है, और बिल्कुल सिनॉप्सिस या की जो है वो 100% भागवत को पकड़ के चल रही है, कहीं भी भागवत से अलग नहीं जा रही है। आपके जो पैरामीटर्स हैं वो वही वापरे हैं, पर उतना बड़ो वाइड एंगल नहीं है, बहुत फोकस करके छोटो से पुष्टि सृष्टि को लियो है, पुष्टि मार्ग को नहीं लियो है। ये गोपालदास जी को प्रथमाख्यान है। मैं समझू के पूरी बात तो नहीं भैया, या में बहुत बात रह गई है, पर आपको कुछ पूछना हो तो जरूर पूछ सको हो, और थोड़ी बात मैं कल और बताऊंगा या विषय में आपको कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो आज को यहाँ समाप्त करें। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो श्रीवल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माझ अंधेरो भरो सो, रैन चरणन केरो साधन और नहीं या कली में जासो हो निरेरो, सुर कहा कहे द्विध आंधरो बिना मोल को चेरो भरो सो, न चरण के। थोड़ो से सिंहावलोकन करे बिना आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि कल इंट्रोडक्शन के कारण कुछ बातें जो खास ध्यान देने की या में हैं वो ये हैं कि
हर वक्त टीकाकरण ने सिनॉप्सिस या की दी नहीं है, कहीं कहीं सिनॉप्सिस दी भी हैं, तो ब्रजराय जी ने या पूरे पहले आख्यान की सिनॉप्सिस या ढंग से बताई है कि या के 24 पद हैं और जामे से पहले पद में निर्विघ्न समाप्ति के लिए नमन कियो है, दूसरे पद में प्रभुचरण की भगवत स्वरूप तरीके, प्रभुचरण को भगवत स्वरूप तरीके प्रतिपादन कियो है, तीसरे में अपने हृदय में लीला स्थ भाव को स्फुरण होए वाकी प्रार्थना है, चौथे में चौथे सुले के सातवें पर्यंत चिदंश को वर्णन है और आठवें सु पंद्रहवें पर्यंत आनंदांश को वर्णन है, सोलह सु एक 21 श्लोक पर्यंत सदंश को वर्णन है और वाक्य बाद एक श्लोक सु प्राकट्य को वर्णन है और एक सु प्राकट्य के कारण को वर्णन है और एक सु प्राकट्य को वर्णन है स्वरूप को। हाँ लखी पची ले जो रिकॉर्ड तो थी जो है ये जो सिनॉप्सिस बताई है मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि ये हमें कोई गलती है, ऐसा भी दिख रहे हो सिनॉप्सिस वाइज, मोकुया में कुछ और भी सिनॉप्सिस सूझे है, तो मैं या पे इतना भार नहीं देना चाह रहा हूं, ये तो मैं या के लिए आपको बता रहा हूं कि जो मोकू सिनॉप्सिस सूझ रही है वाको आप फाइनल मत समझियो। ब्रजराय जी ने अपनी खुद की एक सिनॉप्सिस दी है, ऐसे मुको भी एक सिनॉप्सिस या की सूझ रही है और मैं वास सिनॉप्सिस को कहना यासु चाह रहे हूं कि मैं जा तरह से या को समझे हूं वहां मैं वो सिनॉप्सिस सिंथेसाइज हो रही है, ये सिनॉप्सिस उतनी ठीक ढंग से सिंथेसाइज नहीं हो रही, क्यों कि श्री ब्रजराय जी ने जैसे ढंग से टीका करी है वहां में ये सिर्फ फिट हो रही है, वहां में कोई गड़बड़ नहीं है, पर जा तरह से मैं या की व्याख्या कर रहे हूँ वह तरह से वो उतनी फिट नहीं हो रही है, तो या लिए मैं कुछ या की अलग ढंग से सिनॉप्सिस सोच रहे हूँ, मैं या की सिनॉप्सिस या ढंग से सोच रहे हूँ कि क्योंकि सबसे पहली बात या में यह है कि ये प्रथम आख्यान मैं तीन बातें क्लब भई हैं, एक प्रथम स्कंध की, एक द्वितीय स्कंध की, प्रथम स्कंध जो अधिकार को वर्णन है, द्वितीय स्कंध जो साधन को वर्णन है और तृतीय स्कंध जो सर्ग को वर्णन है। कल मैंने आपको बताया वह ढंग से भागवत के अधिकार, भागवत के साधन और भागवत को जो सर्ग को वर्णन है,